बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमर कुमार बावरी पहली बार अपनी जन्मभूमि चंदन क्यारी बृहस्पतिवार शाम को पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व आमजनों ने सुभाष चौक से लेकर दुर्गा मंदिर व उनके घर तक गाजे बाजे व फटाके के साथ माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जहां पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से लेकर आमजनों की भीड़ का तांता लगा रहा। प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी सबसे पहले चंदन क्यारी बाईपास चौक में भूतपूर्व विधायक हरदयाल शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने चंदन क्यारी काली मंदिर व मां दुर्गा मंदिर में जाकर माथा टेका। उसके बाद अपने आवास पहुँचते ही पूरे परिवार ने स्वागत किया। वहीं प्रतिपक्ष नेता ने पिताजी रामानंद बावरी व माता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। साथ ही माता ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। उनके पत्नी कल्याणी देवी ने आरती उतारकर आवास में प्रवेश करवाया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बावरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत पूरे केंद्रीय नेतृत्व व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विश्वास के साथ पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता का जो जिम्मेदारी है उस पर पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंदन क्यारी का बेटा का सामना नहीं कर पाएंगे। अब राज्य सरकार को प्रदेश की जनताओं की हक व अधिकार देना होगा। कहा कि लोकसभा चुनाव के सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अमर कुमार बावरी के पिताजी में खुशी की जाहिर किया और कहा कि क्षेत्र एवं पूरे झारखंड के जनता के सुख दर्द एवं अन्य समस्याओं को सदन में जोरदार तरीके से उठाएंगे। स्वागत कार्यक्रम में बोकारो से चास एवं चंदन क्यारी तक हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे झारखंड की जनता, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ अपने विधायक के जितने भी माननीय विधायक है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने भरोसा दिखाया है। निश्चित रूप से चंदन क्यारी का ये बेटा जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है उस पर खड़ा उतरेगा और इस सरकार को जो भ्रष्टाचारी है, जो झूठ फरेब पर बनी है, जो अत्याचारी है, जनता का खून चूस रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सबके मदद से हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अपना फिर से सरकार बनेगा और बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। मुख्यमंत्री का सामना कर पाएंगे कि विधानसभा में मुख्यमंत्री झारखंड का चंदन क्यारी का बेटा का सामना कर पाएगा, ये उनसे जाके दादा बात देकर के मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनका प्रतिनिधित्व कर पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं और उनके कारण ही आज यह गौरव, ये का गौरव नहीं है, चंदन क्यारी की एक एक जनता का गौरव। झारखंड के हर एक गरीब, दलित, वंचित के, शोषित के, युवाओं के, गाँव में रहने वाले एक साधारण परिवार के बच्चे जो विकास छूटा जा रहा है सर, नहीं करने दे रहा है उसमें आप अब नहीं कर पाएगा, अब नहीं रोक पाएगा। कैसा लग रहा है बहुत अच्छा के माहौल में आपके वर्णन क्या देखना जा सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना दिनों के बाद जो इंतजार था जाके साकार हुआ और भगवान करे कि हम एक प्रार्थना करता है कि बढ़िया से इस कार्य को निपटाए और यहाँ के जनता का अपना दुख दुख पर ठीक है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है बाबू। आज के दिन अब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता जितना खुशी हो रही है। आशीर्वाद ये देंगे कि झारखंड के कि अपना देश के ये सेवा करे, जिस उम्मीद से लोगों ने इनको चुना है उस पर खरा उतरे, मेरा यही संदेश रहेगा। और कह नहीं ले पाएंगे उस तरह का झूठ जो है और उस तरह का बना हुआ है। झारखंड का नंबर वन टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट नियत बिहारी लाल चौधरी
हरि मंदिर रोड हीरापुर धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर